कैमरा नहीं ले जा सकते, और एक हिसाब से ये सही भी है क्योंकि अंदर कई लोग एकदम नेकेड होते हैं। गुड आफ्टरनून गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज है मेरा मॉस्को के अंदर तीसरा दिन। आज मैं ट्राई करने वाला हूँ एक फ़नी चीज़, और उसके बाद मैं मॉस्को से आगे की तरफ निकल जाऊँगा क्योंकि उसके बाद शुभम भी आ जाएगा, और फिर हमारा प्लान है आर्टिक सर्कल की तरफ जाने का। यहाँ की संकरी संकरी गलियाँ, लेकिन पूरा आर्किटेक्ट वाला माहौल है यहाँ पर। आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ यहाँ के स्पा को। स्पा को रशियन के अंदर बानिया बोला जाता है, और जो रशियन स्पा हैं वो थोड़े अलग हैं बाकी जो ट्रेडिशनल स्पा आपको दुनिया में देखने को मिलेंगे। जिस बाथ हाउस के अंदर मैं जाने वाला हूँ, पब्लिक बाथ क्लासेस सेंट ड्यूनी, सेंट ड्यूनी बाथ हाउस। तो ये है वह यहाँ की मेन एंट्रेंस, और इस जगह का नाम है सेंट ड्यूनी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट है 1808। भाई इतना पुराना, ये तो कुछ ज़्यादा ही पुराना हो गया। बस अभी थोड़ी देर के अंदर मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा और फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ का सिस्टम कैसा है। थोड़ी अलग टाइप की एक्साइटमेंट है। संदुने बानिया, ये रशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बानिया मान लीजिए। बानिया बोले तो रशियन के अंदर स्पा। अब मुझे यहाँ पे है ना, सबसे पहले यहाँ के प्राइस पूछने पड़ेंगे कि भाई प्राइस क्या क्या है यहाँ पे। हेलो, यहाँ पे जो रिसेप्शन पे हैं लेडी, ये बता रही हैं कि यहाँ पे जो टॉप क्लास है उसका प्राइस है 3000 रूबल्स, एंड फॉर चासा, स्कूल का चासा, टू आवर्स। चासा मतलब बोले तो दो घंटे के लिए। वन चासा इज अधीन चासा, मतलब एक घंटा, अधीन दुआ, या दुआ चासा इज टू आवर्स। एक मैंने स्विमिंग ट्रंक खरीद लिया, स्विमिंग की वाली शॉर्ट, क्योंकि ऊपर स्विमिंग पूल भी होगा। यू लग रहा है जैसे पुराने टाइम में राजा वाजा नहीं जाते थे सोना वोना के लिए, तो वो वाली फीलिंग आ रही है। ये वो जगह है जहाँ पर हमें कपड़े वपड़े चेंज करने हैं। यहाँ का आप इंटीरियर देखिए। अब मैं यहाँ पे कपड़े वपड़े चेंज करने वाला हूँ। थोड़ी अजीब सी फीलिंग तो आ रही है, लेकिन हाँ ये सब चलता है। ये आपको एक कैप मिलेगी, फ्लिप फ्लॉप्स, और ये आपको एक टॉवल मिलेगा। अब स्पा के अंदर घुसते कपड़े वपड़े सब ने निकाल दिए। एक मज़ेदार बात बताता हूँ, यहाँ पे जितने भी बाकी भाई हैं सब ने एकदम पूरे कपड़े निकाले थे, इवन अंडरवियर तक। लेकिन मुझे ना थोड़ी शर्म टाइप आ रही थी, क्योंकि ये जगह जहाँ से आपको कपड़े वपड़े चेंज करने हैं और उसके बाद हम आगे की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन मुझसे वो वाला सीन नहीं हो पाया, तो बाद में बताता हूँ कि क्या क्या सीन चल रहा है। अब अंदर जाने के लिए मैं एकदम तैयार हूँ, भाइयों के साथ जा रहा हूँ मैं, और शायद अंदर आप फ़ोन या कैमरा ले जा नहीं सकते। मैं ट्राई करूँगा, अगर नहीं हुआ तो वहाँ से आने के बाद आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगा। अभी हम अंदर जाके आ गए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्टीम रूम में गए, वहाँ पे दबा के गर्मी। मैं बार बार मुंह के आगे हाथ लगा रहा था क्योंकि गर्म हुआ अंदर जाती हूँ तो नाक में एलर्जी, नाक में थोड़ा अजीब सा होने लग गया, तो यूँ करके सांस ले रहा था। लेकिन पहले एकदम गर्मी, पहले एकदम गर्म रूम में जाएंगे, टेम्परेचर वहाँ पे शायद 60-70 आराम से पहुँच जाता है, और जस्ट उसके बाद एकदम ठंडे पानी में डुबकी लगाना। तो इस प्रोसीजर को रशिया में काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है, और यहाँ पे ऐसे बोलते हैं जिस दिन आप बानिया लेने आते हो उस दिन आपको दबा के पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पानी लूज़ करती है। तो अभी हम इधर पानी पीने वाले हैं। जैसे अपने इंडिया में नहीं होता है कोई रेस्टोरेंट के अंदर फेमस लोग आके उनकी फ़ोटोज़ लगा देते हैं, कोई फिल्मी एक्टर के, तो सेम सीन इस बानिया के साथ है। बाकी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन आया हुआ है। व्लादिमीर मुश्किन, अलग अलग कोच हुआ करते थे, ये कौन है, वर्ल्ड चैम्पियन से। अब हम यहाँ से कपड़े वपड़े बदल के दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो आज मैं भाइयों के साथ ही घूमने वाला हूँ। मस्त बात पता है क्या है कि आप ये जो हेड मैंने पहनी हुई है ना, इसको मैं ले जा सकता हूँ, ये देखो। ये क्या भाई, बारिश भी हो रही है और धूप भी आ रखी है। तो जैसे हम स्पा से बाहर आए, यहाँ पे इतनी तेज तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन ठीक ठाक बारिश हो रही है। स्पा का जो सीन था ना, काफ़ी मस्त था। अंदर लोगों की प्राइवेसी के चक्कर में आप कैमरा नहीं ले जा सकते, और एक हिसाब से ये सही भी है क्योंकि अंदर कई लोग एकदम नेकेड होते हैं। स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा यार, लोग ऐसे एकदम कपड़े कैसे निकाल लेते हैं,
तो और उसके बाद में अंदर जाके है ना, दो तीन टाइप की मसाज होती हैं यहाँ पे, जो स्पा के अंदर जो बंदे होंगे वो आपके आपको एकदम मसाज देंगे। जैसे बचपन में मम्मी अपने को नहीं नहलाती थी, एकदम साबुन रगड़ रगड़ के पूरा मैल वैल उतारती थी, तो यहाँ पे भी एक इसी टाइप का सिस्टम है। बारिश तेज हो गई है लेकिन सूरज भी निकला हुआ है साथ साथ में। बाकी आप लोगों को मैं उन भाइयों से तो इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया जिनके साथ में सोना भी मिला था। उन भाइयों ने मुझे इस सोना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, बड़ा दिमाग खाया है। और फिर बाद में इन भाइयों ने मुझे इनवाइट किया एक रेस्टोरेंट के लिए। ये अभी एक लोकल रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप मिलिए। I'm sorry, I forgot all of the names. My name is Zimyan. Zimyan. My name is Grisha Gregory. Grisha. My name is Maxim. My name is Konstantin. You can call me Costa. Yeah, आगे है भाई साहब हमारी टैक्सी Volkswagen. Hey brother. Nice to meet you. See you. Come to Moscow. Yeah. Thanks man. Bye brother. Bye. मैक्सिम भाई को कुछ काम हो गया है तो अब हम सिर्फ चार जने जाने वाले हैं। बड़े मस्त बंदे यार, मेरे को बोल रहे हैं आगे बैठ जाओ। ये जो अंकल टैक्सी चला रहे हैं ना, एकदम मस्त सोवियत टाइप वाले अंकल लग रहे हैं। मोटी मोटी तोंदे इनकी मेरी तरह, मेरी भी यार। तो मैं अंकल जी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बस मैं अंकल जी को खुद के साथ रिलेट करवा रहा हूँ कि आज से जब मैं अंकल जी के एज का होऊंगा तो मेरे भी ऐसे ही मोटा मोटा हो जाऊंगा, लथपड़ा लथपड़ा। Brother, what's the name of this restaurant? Matryoshka. बार बार भूल जाता हूँ Matryoshka। जब आप रशिया में आओगे तो छोटी छोटी गुड़ियाँ होती हैं, लोग उसको एज ए सोवनियर लेके जाते हैं। तो आपको बिल्डिंग दिखाता हूँ मैं सबसे पहले। ये है एक स्काई स्क्रैपर। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा 40s और 50s के बीच में अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स न्यूयॉर्क के अंदर। और इसी को ध्यान में रखते हुए स्टालिन एक विजन लेके आया कि चलो बहुत हो गया अमेरिका का जोश, अब हम सोवियत यूनियन में भी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे। तो स्टालिन ने आदेश दिया कि मॉस्को के अंदर 7 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए जाए। इनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है, स्टालिन स्काई स्क्राइबर्स भी बोला जाता है। तो जब आप मॉस्को के अंदर आओगे तो इस टाइप की 7 बिल्डिंग्स मिलेंगी। और ये बिल्डिंग्स लगभग 1948 से लेकर 1955 के बीच में बनाई गई थी। और ये भाई हमारा रेस्टोरेंट जिसके अंदर आज हम खाना वाना खाने वाले, इसके जस्ट पीछे है शायद ये स्टालिन की स्काई स्क्रैपर और इसके जस्ट आगे ये है Matryoshka रेस्टोरेंट। लेना अलीना, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। और थोड़ी देर पहले आपने भाइयों से मिले ही होंगे। So this is one of the most famous restaurant of Moscow. Exactly. Yeah. भाइयों से मैं मिला था उधर बानिया के अंदर, और लीना और अलीना से मैं मिला इधर Matryoshka रेस्टोरेंट के अंदर। और अच्छी बात यह कि यहाँ पे मेन्यू इंग्लिश में है, लेकिन यहाँ पे मेन्यू में मैं नहीं देखने वाला। बिकॉज आई डोंट नो अ थिंग अबाउट रशियन क्यूजिन, आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइस व्हाट शुड आई ऑर्डर। पहली बार भाई इतना ट्रेडिशनल खाना ट्राई करने वाला हूँ। आज तक मैं रशिया में जब भी आया था मैंने हर बार बोर्श, वेरेनिकी, पिलमिनिया, लेकिन आज मैं कुछ अलग ट्राई करने वाला हूँ लीना और अलीना की रिकमेंडेशन पे। खाना आना स्टार्ट हो गया और ये आगे मेरे रशियन सैलेड। व्हाट यू कॉल इट? ओलिविया। ओलिविया। अच्छा, यू आल्सो ऑर्डर्ड बोर्श? या दैट्स व्हाई आई केम हियर, सो द रशियन सूप दिस दे इज कॉल्ड बोर्श। और ये आगे मेरी पिलमिनिया। ये काइंड ऑफ यू मान लीजिए रशियन मोमो है। अगर आप दुनिया में किसी भी कंट्री में जाओगे आपको जगह जगह पर अलग अलग टाइप के मोमो मिलेंगे। जैसे चाइना में उनको डम्पलिंग्स बोलते हैं यहाँ पे, और अपने इंडिया वाले या नेपाल वालों को हम मोमोज बोल देते हैं, यहाँ पे इनको बोलते हैं पिलमिनिया। हमारा लगभग जो खाना वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी Grigory भाई और एक जो दूसरे भाई वो खाना खा रहे हैं। उसके बाद हमारे लिए एक स्पेशल टी सेरेमनी है। अभी तक मेरे को यही लगता था कि जो रशियन है वो एक ही चीज़ के दीवाने हैं, वो है वोदका। लेकिन अभी Grigory भाई ने मुझे बताया नहीं भाई, हम वोदका दबा के पीते हैं, लेकिन एक चीज़ और है जो हम बहुत ज़्यादा पीते हैं। आई थिंक ये जो मैं पिछले ट्रिप में आया था ये चीज़ इस चीज़ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा एक ही ध्यान था सिर्फ वो था वोदका की तरफ। लेकिन अब की बार मैंने खुद एनालाइज़ किया और जो मेरी पुरानी ट्रिप्स थी उनको अगर मैंने खंगाल के देखा तो अब याद आ रहा है कि रशियन चाय भी बहुत ज़्यादा पीते हैं। अरे ये आ गया हमारा समोवार।
samovar. Samovar. Tea with something sweet, and after that they one more time continue. Okay, so first they drink vodka, then chai, and then again vodka. Yeah, something like that. Oh. This one is black tea with cherry leaf. Cherry leaves. This one is herbal tea. Herbal tea. Twine, little bit mint, and linden. This is desert. It has the form of matryoshka. The name of the restaurant. The name of the Russian of the restaurant and the Russian doll. The Russian doll. Mm-hmm. इस रेस्टोरेंट का नाम भी मत्रियोश्का है और नॉर्मली जब लोग रशिया से सोवेनियर खरीद के लेके जाते हैं ना तो रशियन आपने नाम सुना होगा रशियन गुड़िया रशियन गुड़िया तो यही रशियन गुड़िया की शेप में एक पेस्ट्री है. I'm sorry, matryoshka. Oh, it's hard. इस मत्रियोश्का का कत्ल कर दिया है और कत्ल करने के बाद इसके ये मुझे लग रहा था कि जो बाहर वाली लेयर है ना थोड़ी हार्ड सॉफ्ट हो गई लेकिन बाहर वाली लेयर थोड़ी हार्ड है और इसके अंदर दबा के वो अपने वेनिला टाइप आइसक्रीम विद स्ट्रॉबेरी और अब हमारी जो टी सेरेमनी वो स्टार्ट हो गई है. अरे अंदर कोयला है इसके और वो कोयला इसको गर्म कर रहा है बाहर से. ओके और ये है मेरी हर्बल रशियन टी. We really like to talk during we are drinking tea. It's like a tradition. So when I can drink vodka in during tea ceremony? Vodka with tea, I think it doesn't match. अगली वो जगह है वो इससे भी ज़्यादा exciting है क्योंकि हम मॉस्को की जो skyscrapers हैं उनमें 60वें floor पे जाने वाले हैं. तो आज का जो दिन है ना खतरनाक जा रहा है मस्त तरीके से. थैंक यू. बाय बाय. इस सूरज के पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग सबको दिख रही होंगी. रुको थोड़ा और जूम करता हूँ. ये वाली अब हमारा प्लान है यहाँ जाने का. लेकिन यहाँ पे जाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर मेट्रो लाइन का यूज़ करना होगा और वो लाइन है MCC मॉस्को सेंट्रल सर्कल जो आपको मॉस्को की हर मेट्रो लाइन के साथ जोड़ेगा और जिसमें यूँ मान लीजिए मॉस्को मेट्रो की सबसे न्यू लाइन है ये. ये हमारी एंट्री हो रही है अभी. लिए ना मुझे बता रहे हैं कि मॉस्को मेट्रो के अंदर आप अपने चेहरे से भी पे कर सकते हो फेस डिटेक्टर. सो फर्स्ट वी हैव टू इंस्टॉल एन एप्लीकेशन. यस यू हैव टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन मॉस्को मेट्रो एट द योर फोटो टेक योर फोटो ऑन योर फोन देन एट योर बैंक कार्ड एंड इट विल बी लिंक एंड देन वी कैन पे बाय. यस बाय योर फेस यू विल गो. सो यू डोंट हैव द कार्ड. आई डोंट हैव द कार्ड. तो अभी मैं पे करने वाला हूँ इस त्रोई का कार्ड से और लियाना पे करने वाली है अपने फेस से. सो एट एवरी मेट्रो स्टेशन यू कैन पे बाय. एट एवरी मेट्रो स्टेशन. यस भाई साहब ये तगड़ा सिस्टम है यार. हाँ भाई काम कर गया थोड़ा टाइम लगा. और अब मुझे लगा मेरे वाला काम नहीं कर रहा है. आई थॉट दिस कार्ड इज नॉट गोइंग टू वर्क बट फाइनली इट वर्क्ड. ये मॉस्को मेट्रो की इकलौती लाइन है जो पूरी ऊपर है. ये अंडरग्राउंड नहीं है. तो अगर आप इस लाइन के ऊपर चढ़ोगे तो आप इजली पूरे मॉस्को मेट्रो का अलग से नज़ारा ले सकते हो. और अब आ रही है भाई हमारी MCC. इस लाइन के ऊपर जो ट्रेन चलती है वो थोड़ी अलग भी है. हाँ भाई सच में अलग है. ये मेट्रो कम लग रही है ट्रेन ज़्यादा लग रही है. भीड़ मस्त हो रखी है क्योंकि हम एकदम पीक टाइम में जा रहे हैं ना. ये पंगे मेट्रो के अंदर नहीं होते. मेट्रो के अंदर आपको चढ़ते टाइम ध्यान वान नहीं रखना पड़ता है लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको. अरे हाँ भाई ये नीचे से मॉस्को रिवर जा रही है और हमें अभी इधर जाना है. और इस लाइन से आप हर दूसरी लाइन पे जा सकते हो लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है. आपको हर बार एग्जिट करना पड़ेगा. एक हिसाब से मॉस्को मेट्रो के अंदर नहीं आती है. इसमें जो रशियन रेलवेज है उसका भी कोलैबोरेशन है और जो मॉस्को मेट्रो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है और बार बार आपको कार्ड से एग्जिट भी नहीं करना पड़ेगा लेकिन इस लाइन में चढ़ने के लिए आपको एग्जिट करना पड़ेगा. भाई क्या है ये.
पहले हम ऐसी जगह पे चल रहे थे जहाँ पे पुराने टाइप की बिल्डिंग दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे आते ही पूरे के पूरे एकदम चकाचौंध वाले स्काईस्क्रैपर्स देख पा रहे हो आप। इस एरिया में लगभग आपको 15 से 16 ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनेंगी, और यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं। अभी मैंने लीना से पूछा इस जगह का नाम क्या है, तो लीना ने मुझे बताया इस जगह का नाम है मॉस्को सिटी। फिर मैंने पूछा कि मॉस्को सिटी में मोलेडी नहीं है, बोलती कि नहीं, हम बाकी मॉस्को को मॉस्को बोलेंगे लेकिन इस जगह को बोलते हैं मॉस्को सिटी। और इसी एरिया में आपको मिलेगी मॉस्को की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, जिसकी हाइट है 373.7 मीटर्स। लेकिन आज शायद हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम एक ऑब्जर्वेशन डेस्क पे जा रहे हैं जहाँ से आप पूरे सिटी का पैनोरमिक व्यू ले सकते हो 360 डिग्री का। एंड उसकी हाइट होगी आई थिंक 327 मीटर्स, और हम जाएंगे 85th फ्लोर पे। ये वो जगह है जहाँ से आप इन सारी बिल्डिंग्स का व्यू ढंग से देख सकते हो। पीछे आप देख रहे हो एकदम पुराने वाले बिल्डिंग, छोटी छोटी बिल्डिंग्स, ट्रेडिशनल मॉस्को शहर जो 1998 से पहले का था। और ये जो बिल्डिंग्स जहाँ पे मैं अभी आ रखा हूँ, इनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1998 में। आई थिंक 1998 के टाइम में पुतिन प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्रेसिडेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। दुबई वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। तो अभी हम यहाँ से 84th फ्लोर पे जाएंगे। अरे हम आपको टावर का नाम तो बताने ही भूल गया, ओके टावर। टावर का नाम ओके टावर। और एक बात और इस जगह की, यहाँ पे दुनिया का सबसे हाईएस्ट नाइट क्लब भी है। सो नाउ वी टेक अनदर एलिवेटर फॉर 84th। व्हिच फ्लोर इज दिस? दिस वन इज 84th। नाउ वी आर गोइंग टू 86। भाई नीचे ठंड नहीं लग रही थी लेकिन यहाँ पे ठंड लग रही है, इट्स रियली कोल्ड। अरे लोगों के सर्विस के लिए यहाँ पे ब्लैंकेट भी है भाई। सामने हो रहा है प्यारा सा सनसेट, और ये जो आपको नदी दिख रही है सामने, इसका नाम है मॉस्कोवा रिवर। वो जो सामने आपको स्टेडियम दिख रहा है ना मॉस्को रिवर के जस्ट उस साइड, वहाँ पे फीफा के मैच हुए थे। और यहाँ पे मॉस्को रिवर एक मस्ट टर्न ले रही है, पूरा यू टर्न लेके आ रही है उधर से, फिर इधर से आके इधर। जो आपको लेफ्ट साइड में एक ये बड़ा सा टावर दिख रहा है और उसके पीछे जंगल टाइप या पार्क टाइप में दिख रहा है, ये है विक्ट्री मॉन्यूमेंट। जब सोवियत आर्मी, जब अलायंस फोर्सेस ने नाजी आर्मी को हराया था, तो उस टाइम इस पार्क का और इस मॉन्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन हुआ था। यहाँ ऊपर आने की टिकट है 1,800 रूबल। अब हम नीचे जा रहे हैं। ओल्गा ने बताया था कि हमारे टिकट के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम और कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक इंक्लूडेड है। You did ice cream? Yeah. It's much better than the normal one. Yeah. ऊपर काफी ठंड होने लग गई थी, तो अगर आपको ठंड लगती है तो आप यहाँ से कंबल भी ले जा सकते हो, काफी लोग लेके गए हुए थे। Now we are going back downstairs. हम नीचे आ चुके हैं और भाई और को भी अपने घर पे जाना है, मैं भी वापस होटल की तरफ जाऊंगा। वंस अगेन गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी, इट्स बीन अ प्लेजर एंड थैंक्स मैन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कम अगेन टू मॉस्को, डेफिनेटली। आई गेस यू हैव अ फेड देयर, या यू ऑलरेडी हैव अ हेड इज हियर, यू वांट ड्राई वन? ओह इट्स ओके, आई विल ड्राई इट, या नो प्रॉब्लम देन, दिस विल बी आवर मेमोरी फ्रॉम द बन, या दैट्स ग्रेट ब्रो, थैंक्स मैन, अप्रिशिएट इट, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक्स मैन। Call me on my cell phone. लीना ने अभी यंदेक्स टैक्सी से ऑर्डर करके एक टैक्सी मेरे लिए ऑर्डर कर रखी है और एक खुद के लिए ऑर्डर कर रखी है। Bye guys, we'll see you again. Moscow. Bye bye. Thank you. Thank you. Thanks man. Weekend. Thank you. Yeah. Hope to see you again. Namaste, brat. Namaste, brat. It was good to brat. Nice to meet you, man. Nice to meet you. Yeah. Bye bye. Bye guys. Bye. Bye bye. Goodbye. Goodbye. Bye bye. देख रहे हो
भाई ये है क्रेमलिन। तो जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका ये यू मान लीजिए पार्लियामेंट भी मान लीजिए, इनका घर भी मान लीजिए। बस अभी पहुंचने वाला हूं मैं।